भोपाल में ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी के जेवर और लाखों रुपए नकदी की लूट के सनसनीखेज मामले का भोपाल पुलिस कमिश्नर ने खुलासा कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस लूट की घटना को अंजाम देने वाला अग्निवीर ट्रेनी जवान निकला। उसने अपने जीजा के साथ लूट की साजिश रची और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने रविवार को अग्निवीर ट्रेनी जवान, उसके जीजा, बहन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पठानकोट के फतेहगढ़ में पदस्थ थे। छुट्टी लेकर वह बहन के घर आया था और लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना बाग सेवनिया में मंगलवार रात 10 बजे की है। हेलमेट पहने दो बदमाशों ने दुकानदार को कट्टा दिखाकर डराया। चांदी की राखियां, जेवर और कैश लेकर भाग निकले थे। बदमाश 7 मिनट तक दुकान में रहे थे। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी जब्त कर ली है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लगभग 400 कैमरों को खंगाला गया। इसके आधार पर आरोपियों की तस्दीक की गई और तकनीकी एंगल से जाँच करने के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना हुई थी, जिस घटना में खासतौर पे एक ज्वेलर की दुकान में इस तरह की घटना हुई थी और उस घटना में खासतौर पर मुंह पर हेलमेट बांध करके, उसने नीचे मफलर बांध करके एक दुकान में कोशिश की गई। हम लोग तत्काल उसमें रात के लगभग 1 बजे का फस वहां पूरी टीम पहुंची थी और उस घटना से जुड़े बारीक तथ्यों का सर्वेक्षण किया गया। उसमें पाया गया कि तत्कालिक तौर पर जो भी जानकारी मिली उसे पुलिस ने वही कार्रवाई करनी शुरू की और लगभग 24 घंटे के अंदर आरोपियों की पहचान कर ली गई। अभी तक उसमें खासतौर पर जो आरोपी हैं, उन आरोपियों की न सिर्फ पहचान कर ली गई है बल्कि उसमें कुल जो 4 आरोपी हैं और उसमें कुछ 2 आरोपियों के नाम अभी और बढ़े हैं, तो उन सभी लोगों को पहचान करके उसमें सभी को लगभग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें खास जो मुख्य तौर पर जो 2 आरोपी हैं जो कि इनके हाथ में पिस्टल थी और खासतौर पर ज्वेलरी शॉप में पहुंचे थे, उन लोगों के पहुंचने के समय उसमें एक खास चौंकाने वाली जो बात सामने आई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी जिसने इस लूट को अंजाम दिया वो इसमें पठानकोट में अग्निवीर में वहां पर पोस्टेड है और वहां से छुट्टी के लिए 15 दिनों के लिए यहां पर आया हुआ था। यहां पर मुख्य करके मोहित नाम का जो आरोपी है, उसके साथ साथ दूसरा जो उसका साथी आकाश है और वह जो है एक आरोपी रीवा का रहने वाला है, एक आरोपी यहां पर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहता था। इसमें अलग अलग अस्त्रों पर इसके कुछ रिश्तेदार भी जुड़े हुए थे जो उस रकम को दूसरी जगह ठिकाने लगाने से लेकर के इसमें अलग अलग जगहों पर इनको छुपाने से लेकर के वाहन उपलब्ध कराने से लेकर के, तो इसमें 6 के आसपास लोगों को बनाया गया है और उसके बारे में भी सभी आरोपियों के साथ एक कल डिटेल्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। माल इसे पूरी तरह से पूरा माल इसमें बरामद हो चुका है, प्रक्रिया चल रही है और कल इसमें आरोपियों के साथ पूरा उसको भी रिमांड पर उनको लिया जा रहा है लेकर के। सर इसमें यह भी कहा गया था जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वो नकली था, इसमें फरियादी द्वारा बताया गया था, फरियादी ने बारह बोला था कि नकली जैसा लग रहा था, लेकिन पूछताछ में बात सामने आई कि वो बिल्कुल छोटा सा हथियार है, देखने में उस तरह का है लेकिन नकली नहीं था, असली था और वह घटना भी हथियार भी उसमें जब्त हुई है और बाकी जो प्रक्रिया है, चूंकि दूसरे जगहों पर कार्रवाई चल रही है, दूसरे जगहों पर जब्ती की प्रक्रिया चल रही है, तो उनके आने के साथ ही उसमें इस घटना के बारे में और जानकारी आपके पास चल रही है।